नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम के और आप जी राम जी टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों यदि आप मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद हैरान रह जाओगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक ऐसा सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको पता नहीं है कि इसका लेटेस्ट फीचर्स भी आ गए। लेटेस्ट फीचर के अनुसार अगर आप चैट करेंगे, चैट करके आप किसी भी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा फीचर्स है जिससे कि मान लीजिए आप चाहे तो आर्टिकल लिख सकते हो, उस पर शॉर्ट्स आर्टिकल बना सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो अलग से चैट करके। तो हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, माइक्रोसॉफ्ट एज के न्यू फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग किसी भी सवालों के जवाब ले सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेंगे। ये ब्राउजर है, आप लोग के कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद से देखिए जो फीचर की बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पर, ये देखिए डिस्कवर, ये एक नया फीचर है और ये एक तरह से AI जनरेटर जिससे चैट GPT है उसी तरीके का ये फीचर्स है जैसे कि चैट GPT पर आप लोग जाकर इस्तेमाल करते थे और वहाँ से कोई भी सवालों का जवाब ले सकते हो। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी उसी सेम चैट GPT जैसे ही आप इस यहाँ पर भी कर सकते हो। ये भी बेसिकली एक तरह से AI है। तो मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि राम जी टेक कौन है, ओके, तो आप यहाँ पर ये टाइप करके सर्च करोगे, आप इनसे पूछोगे सवालों के जवाब तो आपको यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब इसको बड़े लेवल पर इस्तेमाल करना तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया राम जी टेक कौन है, राम जी टेक कौन है, तो यहाँ पर जवाब आ चुका है राम जी टेक इज यूट्यूब चैनल क्रिएटेड बाई राम के प्रजापति, ठीक है। क्या आपको मिलेगा ये टेक्नोलॉजी इंडियन नेटिव लैंग्वेज में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको लैपटॉप एंड एजुकेशनल वीडियो, मैक मनी एंड कंप्यूटर टिप्स एंड टिप्स वगैरह मिलेगा, यहाँ साफ साफ दे दिया गया है और यहाँ पर लिंक भी दिया गया। ये लिंक हमारे राम जी टेक चैनल का ही है। देखिए आप यहाँ पर कंपोज वाला जो फीचर है ना, ये इसका दूसरा टिप है, कंपोज वाला फीचर है ना, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर कंपोज वाले फीचर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है राइट अबाउट, किस बारे में आप चाहते हो लिखना। नीचे टोन बोल रहा है कि इस टोन में प्रोफेशनल, कैजुअल, इन्फॉर्मेटिव, फनी, तो मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड दिया गया कि आप क्या चाहते हो, पैराग्राफ लिखना चाहते हो, ईमेल लिखना चाहते हो, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो, आइडिया लिखना चाहते हो, तो जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सभी स्टूडेंट को एग्जाम में जो है पैराग्राफ लिखने के लिए आता है तो मैं पैराग्राफ को ही सेलेक्ट लिया। आप चाहे तो ब्लॉग पोस्ट, आइडियाज, ईमेल वगैरह कर सकते हो, मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। कितने लेंथ में आपको चाहिए वो सब कुछ आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, शॉर्ट में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मीडियम चूज कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें लिखना है कि राइट एन एसे ऑन काउ, ठीक है, और यहाँ पर हम डेफिनेटली जनरल ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया तो अभी यहाँ पर जो काउ पर एसे है ये लिखकर हमें बता रहा है, टाइप कर रहा है, ये हमारा जो चैट GPT है वो बता रहा है इसके थ्रू, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज में जो बिंग में जो फीचर्स आया हुआ है उस नए फीचर के थ्रू। एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये बिंग का न्यू फीचर है क्योंकि इसमें जो पावर है वो खोज डिस्कवर का दिया गया है, तो जो बिंग है सर्च इंजन उसका पावर इसमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ आ चुका है, हमने यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट किया था। अगर हम ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर करते तो ब्लॉग के पोस्ट की तरह यहाँ पर लिख कर आता। हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये जो है दिया गया यहाँ पर देखिए स्टेप, यहाँ पर ये कॉपी करने का ऑप्शन, कॉपी करेंगे इसको कहीं पर हम ले जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके यूज। और ये 100% जो है जेन्युइन रिजल्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर जो है जाकर टाइप कर सकते हैं, इनसाइड में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये कैसे मिलेगा, सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, ये जो 3 डॉट है आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इस साइड में आएंगे, यहाँ पर देखिए ये साइड में आपको सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इस साइड में आएंगे नीचे की साइड में तो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज का जो लेटेस्ट अपडेट होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है उसका लेटेस्ट अपडेट होगा। तो न्यू फीचर पाने के लिए, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज का न्यू फीचर पाने के लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना पड़ेगा तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है, कट करने के बाद फिर इसको रिलॉन्च करना है, मतलब दोबारा ओपन करना, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो बिंग वाला जो चैट वाला जो ऑप्शन है आपको फिर से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था बेसिकली टिप्स जिसका मैं आपको पहले ही जिक्र किया था और ये कितना कमाल का टिप्स आप लोग समझ सकते हो। जाओ और जल्दी से इसको अप्लाई करो, यूज करो और मजे करो।